हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी जगह ढूंढ कर लेके आया हूँ जहाँ का स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये विकास नगर का एक तरीके से हिडन प्लेस है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। और मैं आज आपको यहाँ का फूड दिखाने वाला हूँ, टेस्ट करके बताने वाला हूँ। और आज हम आए हैं एरॉन फास्ट फूड कॉर्नर पर, जो कि विकास नगर के मंडी चौक पर लोकेटेड है। थोड़ा सा अंदर की तरफ है, लेकिन यहाँ का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। और आप यहाँ पर आएं और ज़रूर एक बार यहाँ का फूड टेस्ट करें, ट्राई करें। और दोस्तों, यहाँ का फ़ोन नंबर और एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन पर भी डाल दूंगा, वहाँ से आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आज ट्राई करने वाला हूँ यहाँ का टोमेटो सूप, जो कि बहुत ही फेमस है। और साथ में मैं यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ मोमोज, ट्राई करने वाला हूँ वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के मोमो ट्राई करूँगा। और यहाँ के जो नॉन वेज मोमो हैं वो चिकन मोमो है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर आज ट्राई करने वाला हूँ एग रोल, जो कि स्पेशल बटर एग रोल ये मेरे लिए बनाने वाले हैं। तो आइए मैं इनकी थोड़ी मेकिंग आपको दिखाता हूँ और इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये टेस्ट में कैसा है। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो का स्पेशल है एग रोल की मेकिंग, जिसे आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगा देखकर। तो दोस्तों, ये हमारा सूप का बाउल आ चुका है और इसको टेस्ट करते हैं। दिखने में तो बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहा है, आइए टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इनका टोमेटो सूप टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट में कैसा है। आप इसको देख सकते हैं, इसका जो कलर है ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और सूप जो है वो काफ़ी गाढ़ा है। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया है कि इसमें इन्होंने कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया है, नेचुरल कलर है टमाटर्स का इसके अंदर। और टमाटर के अलावा इनमें थोड़ा सा इसमें नूडल्स डाला हुआ है और ये ब्रेड के कटलेट्स डाले हुए हैं, छोटे छोटे ब्रेड के पीस को फ्राई करके इसमें इन्होंने डाला हुआ है। तो दोस्तों, दिखने में तो ये काफ़ी टेम्प्टिंग लग रहा है, इसको टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट में ये कैसा है सूप। दोस्तों, सर्दियों का मौसम हो और ऐसा टमाटर का सूप, टमाटो सूप अगर आपको मिल जाए तो कहना ही क्या। इनका टमाटर का सूप बहुत ही गजब का है, टेस्ट में बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर आए तो टमाटो सूप भी जो है इनका जरूर ट्राई करें। और ये हमारी मोमो की प्लेट आ चुकी है, अब मोमो टेस्ट करके बताता हूँ मोमो टेस्ट में कैसे हैं। तो दोस्तों, ये हमारी वेज मोमो की प्लेट है जो हमने हाफ लगवाया है और इसमें ये है आपका टमाटर मिर्च की चटनी और ये आपकी मेयोनीज है जिसके ऊपर इन्होंने तिल भी डाला हुआ है। और जो ये मोमोज हैं, मोमोज के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा तिल मसाला और धनिया की गार्निशिंग की है, जिससे ये दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये टेस्ट में कैसे होने वाला है। इसको, इसकी फिलिंग देखते हैं, ये इसका मसाला है। ये जो इसका मसाला है ये लौकी का इन्होंने बना रखा है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि जो इसकी मसाले का जो फ्राई किया इन्होंने वो बटर में इसको फ्राई किया हुआ है। तो बटर में फ्राई मोमो मैंने अपने एरिया में नहीं खाए हैं, तो आज पहली बार मैं बटर में फ्राई मोमो टेस्ट करके देख रहा हूँ। तो मैं पहले इसको बिना चटनी के टेस्ट करके देखता हूँ कि बिना चटनी के कैसे लग रहा है। तो दोस्तों, बिना चटनी मोमो जो है टेस्ट में बढ़िया लग रहा है और इसमें फ्लेवर जो है थोड़ा अलग सा आ रहा है। और अब मैं इसको चटनी के साथ टेस्ट करके देखता हूँ, क्योंकि किसी भी आइटम का जो असली मज़ा है वो चटनी के साथ ही होता है। छोटे छोटे कटोरी में चटनी को दिया गया, जो दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है कटोरी। इसको टेस्ट करके देखते हैं हम। दोस्तों, चटनी का और मोमो का जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो फ्लेवर है
मोमो का वो चटनी के साथ थोड़ा सा और बढ़ के आ रहा है, तो ये काफ़ी टेस्टी है। तो आप अगर मोमो को ट्राई करना चाहें तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, मेरा रिकमेंडेशन है, मोमोज अच्छे हैं। और दोस्तों ये हमारा नॉनवेज मोमो है जो चिकन का है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी टमाटर और मिर्च की चटनी है, मेयोनीज है जिसमें तिल डाला हुआ है, और मोमोज के ऊपर भी तिल धनिया डाला हुआ है। तो अब मोमो को हम टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट में कैसे होने वाला है। इसको हम पहले इसकी फिलिंग देखते हैं कि इसके अंदर का मसाला किस टाइप का है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि चिकन के पीस आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, साथ में इसमें प्याज डला हुआ है, और ये जो इसको फ्राई करते हैं, इसके मसाले को जो फ्राई करते हैं वो ऑयल और बटर दोनों के साथ इसको फ्राई करते हैं। तो देखते हैं कि चिकन मोमो टेस्ट में कैसा है। पहले मैं इसको बिना चटनी के टेस्ट करके देखता हूँ। दोस्तों इसमें चिकन का पूरा फ्लेवर आ रहा है, चिकन फ्लेवर फुल है, पूरे मुंह में चिकन का फ्लेवर है। अब इसको मैं साथ में चटनी के साथ खा के देखता हूँ। मैंने इसमें चटनी और मायोनीज दोनों के दोनों लगा दिया है। इसको टेस्ट करते हैं। दोस्तों के चिकन मोमो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरे मुंह में चिकन का फ्लेवर आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, और चटनी के साथ उसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। तो मेरी तरफ से ये जो वेज मोमो है और नॉन वेज मोमो है, दोनों के दोनों रिकमेंडेड हैं। आप यहाँ पर ज़रूर आइए और दोनों के दोनों मोमो को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये हमारा एग रोल बन रहा है, एग रोल के लिए पराठा तैयार हो रहा है, और ये एग रोल का पराठा तैयार हो चुका है, और ये एग रोल के लिए वेजिटेबल फ्राई करने वाले हैं, जिसमें इन्होंने अमूल बटर की एक टिक्की डाल दी है फ्राई करने के लिए। और ये इसमें इन्होंने प्याज डाल दिए हैं, प्याज बटर में डाल चुके हैं। और ये प्याज के बाद गाजर और शिमला मिर्च इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये इसके बाद इसमें इन्होंने ये बंद गोभी डाल दी है, और इसको फ्राई कर रहे हैं अब अच्छे से। और ये इसमें विनेगर डाल दिया है इन्होंने, विनेगर के साथ ये सोया सॉस इन्होंने थोड़ा डाला है इसमें, और ये इन्होंने डाला है इसमें चिली सॉस, और चिली सॉस के साथ ये इन्होंने लहसुन का पानी डाला है। और ये सब डालने के बाद इसको ये अब फ्राई कर रहे हैं। अब इसमें नमक और मसाले ऐड करें। और इसमें ये नमक डाल दिया है थोड़ा स्वाद के अनुसार। नमक के साथ इन्होंने ये थोड़ा सा मसाला डाला है इसमें कुछ, और ये इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है, और ये थोड़ा सा गरम मसाला इन्होंने इसमें ऐड किया है। और फाइनली एग रोल के लिए ये वेजिटेबल हमारी तैयार हो चुकी है, सब्जी बन चुकी है, और अब एग रोल के लिए पराठा तैयार करने के लिए इन्होंने तवे में ऑयल ऐड कर दिया है, ऑयल डाल दिया है, और तेल गरम होने के बाद इसमें इन्होंने पराठा इसमें डाल दिया है।
ये मैदे का पराठा बना रहे हैं इसके लिए, और ये पराठा एक तरफ से सिक चुका है, दूसरी तरफ से इसको सेक रहे हैं, और ये एग रोल का पराठा भी तैयार हो चुका है। अब इसके लिए एग बनाने वाले हैं एग रोल के लिए। तो ये जो हमारा एग रोल है, ये 3 अंडों का एग रोल बनने वाला है, जो कि हम बटर में बनवा रहे हैं ये एग रोल। तो ये हमारे अंडे यहाँ पर ये फेटेंगे अभी इनको। और ये एग बनाने के लिए इन्होंने इसमें तवे में बटर डाल दिया है, और साथ में ये थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। और फाइनली हमारे एग रोल तैयार हो चुके हैं। मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये टेस्ट में कैसे हैं। तो दोस्तों, ये है एग रोल। जैसे आपने इसकी मेकिंग देखी होगी कि ये 3 अंडों का एग रोल है, और इसमें जो ये इसकी जो पराठा बनाया गया है, ये बनाया गया आपका मैदे की रोटी का है, ये मैदे के आटे का है ये, और इसके अंदर वेजीज मैंने आपको दिखाई है, क्या क्या वेजीज इसके अंदर डली हुई हैं। अब बस देखने में तो ये अच्छा लग रहा है, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट में क्या उतना ही अच्छा है जितना ये दिखने में लग रहा है। तो इसको मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये टेस्ट में कैसा है। दोस्तों, इसका टेस्ट जो है काफी अच्छा लग रहा है, रोल जो है काफी क्रिस्पी है, और इसमें एग का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छे आ रहा है, क्योंकि 3 अंडों के आमलेट का बनाया हुआ है, तो एग का जो फ्लेवर है वो वेजिटेबल्स के साथ काफ़ी अच्छा आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वेज का जो वेजीज इसमें डली हुई है उसका टेस्ट आ रहा होगा, एग का अपना इसमें टेस्ट आ रहा है। काफ़ी जूसी है और खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ पर आएँ तो आप एग रोल को भी यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो यहाँ के टेस्ट का है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप यहाँ का फूड जरूर टेस्ट करें, ट्राई करें। तो बात करते हैं हम यहाँ के ओनर से। तो भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललित कुमार है सर। अच्छा, और फूड कॉर्नर का नाम है एरोन फास्ट फूड। अच्छा, और कितना समय हो गया इसे खोले हुए? मेरे को सर 2.5 साल 2 महीने करीबन हो गया है। अच्छा, 2.5 साल के आसपास हो गया है। अच्छा, लगभग लॉकडाउन के आसपास? हाँ, लॉकडाउन से पहले ही स्टार्ट कर दिया था थोड़ा। अच्छा अच्छा, और शुरुआत कैसे करी? स्टार्टिंग सर मैंने पहले डाइट पॉइंट चला रहा था, जैसे जिम की डाइट होती है, उसमें चिकन हो गया, बॉयल चिकन में टेस्ट लाना वो बहुत मुश्किल होता था। अच्छा, लेकिन मैंने जब प्रोवाइड कराया, लोगों को खिलाया, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अच्छा, उसके बाद करते करते फिर मैं अपना फास्ट फूड की शॉप खोली, जब लॉकडाउन में और कोई चारा नहीं था तो मेरे को ये खोला। अच्छा, जब मैंने खोला तो लोगों को टेस्ट पसंद आया।
अच्छा। पसंद आया तो इस हिसाब से मैं उसी हिसाब से जो मेटल बनाता गया, जैसे चिकन में मोमोज हो गए, चिकन मोमोज में आपको चिकन की क्वांटिटी अच्छी मिलेगी, ये नहीं होगा कि खाली प्याज प्याज या फिर एनीथिंग और मसाले का टेस्ट आ रहा है, चिकन का टेस्ट आएगा। और जो मैं लौकी के मोमो बनाता हूँ वो स्पेशल होते हैं, वो स्पेशल बटर में तैयार किया जाता है। अच्छा। उसका जो मसाला है वो बटर में फ्राई होता है। अच्छा। और टमाटो सूप हो गया, टमाटो सूप जैसे कि नॉर्मली बनता है टमाटर से सूप बनता है, तो टमाटर जो है उसमें 3 किलो मिनिमम टमाटर यूज करता हूँ मैं। अच्छा। 3 किलो टमाटर को उबालने के बाद छानना पीसना, इसका प्रोसेसिंग जो है प्रोसेसिंग ही सिर्फ 2 घंटे की प्रोसेसिंग होती है सर। अच्छा। 2 से 2.5 घंटे की, उसके बाद हम सूप रेडी करते हैं, सूप भी बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल मिलेगा सर। अच्छा। और इसके अलावा वेज सूप के अलावा नॉनवेज सूप? नॉनवेज सूप सर चिकन सूप होता है। अच्छा। चिकन सूप की क्वांटिटी है उसमें भी आपको चिकन जो है वो अच्छी मात्रा में मिलेगा। और यहाँ की टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग सर 12 बजे वैसे तो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। 12 बजे स्टार्ट हो जाता है, शाम को 10-10:30 बजे तक ओपन रहता है। अच्छा। होम डिलीवरी का कोई? होम डिलीवरी सर हो जाती है, 200 रुपीज़ मैक्सिमम का ऑर्डर होना चाहिए। अच्छा। और उसमें 3 किलोमीटर के एरिया में मैं होम डिलीवरी कर देता हूँ। अच्छा। मैं 200 रुपए का मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए, 3 किलोमीटर के एरिया में आप डिलीवरी फ्री डिलीवरी कर देते? फ्री डिलीवरी हो जाएगी। ओके। तो चलिए ललित जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू सर।